हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ट्यूट योर फ्लाइट टू सक्सेस एंड यस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू पेपर पैटर्न व्हिच हैज बीन गिवन बाय द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे फॉर सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस 12th कॉमर्स ठीक है तो पेपर पैटर्न कैसे होने वाला है

हंड्रेड मार्क्स का होगा और आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये दोनों एग्जाम के बेसिस पर होगा दैट दैट इज इज ए प्लस प्लस बी इक्वल टू आउट ऑफ मार्क्स ठीक है सो बिकॉज योर टर्म एग्जाम्स आर अप्रोचिंग तो थोड़ा टर्मिनल एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स टर्मिनल एग्जामिनेशन इज अ फर्स्ट एग्जाम ओके एग्जामिनेशन ऑफ फिफ्टी मार्क्स टाइम अलॉटेड विल बी टू आवर्स एंड थर्टी मिनट्स तो ये फर्स्ट इंटरनल मतलब फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम होगा जो फिफ्टी मार्क्स का होगा जो टाइम आपको दिया जाएगा वो होगा ढाई घंटे ठीक है टू एंड हाफ आवर्स

क्वेश्चन कौन कौन से होंगे और आपको कैसे पूछे जाएंगे ऑप्शन होंगे नहीं होंगे ये इस पूरे क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आपको दिखेगा सो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन है मार्क्स पर क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्वेश्चन टू है विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर वन जो है आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ए होगा आंसर इन वन सेंटेंस पर आंसर वन मार्क ओके नंबर ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट्स तो यहाँ पर भी आपको मार्क्स जो है पर क्वेश्चन होगा एक नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे पांच और विदाउट ऑप्शन पांच विद ऑप्शन भी पांच ही रहेगा सी पार्ट पूछा जाएगा सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट वन मार्क पर क्वेश्चन फोर क्वेश्चन पूछे जाएंगे विदाउट ऑप्शन चार एंड विथ ऑप्शन भी चार ही रहेगा सो दिस यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन ऐसा कुछ नहीं है इट विल बी विदाउट ऑप्शन ओनली और विद ऑप्शन ओनली सेम मार्क्स होंगे तो क्वेश्चन नंबर वन जो होगा आपका आप देख ही सकते हो ए बी सी इफ यू गो टू सी द विदाउट ऑप्शन जो मार्क्स है वो फोर्टीन मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा ठीक है Then comes question number 2, explain the following terms or concepts. Ye marks honge, two, uh, 2 marks per question and any 2 out of 4. Without option 4 hey, students, with option 8. Okay. Then question number 3 will be distinguish between the following. A uh, Number of marks will be 4. Aapko, you know any 2 you have to answer out of 3 and uh, without option will be 8 marks. With option will be 12 marks. Question number 4 will be answered in brief. Per question answer uh, marks will 4. Any 2 again out of 3 without option 8 marks you have to attend and with option uh, 12 marks. Ka. Question number 5 will be Justify the following statements. Obviously marks per question will be 4. Any 2 out of 3 without option 8 and with option 12. And the last question which will be asked to your students is answer the following दैट इज अ लॉन्ग आंसर टाइप अगेन पर क्वेश्चन आपको मार्क्स होगा एट मार्क्स एंड नाउ यू अंडरस्टैंड यू नो मैक्म एट पॉइंट्स आपको तो बाई डिफॉल्ट याद रखने ही पड़ेंगे इफ दे आस्क यू दोन ऑब्वियसली एक ही पूछा एनी वन विल बी आस्क आउट ऑफ टू एंड विदाउट ऑप्शन इट विल बी एट मार्क्स फॉर श्योर एंड विद ऑप्शन इट विल बी 16 मार्क्स, दैट इन टोटल स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न बहुत सिंपल और इजी दिख रहा है एंड टोटल मार्क्स है फिफ्टी विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन इट इज सेवेंटी फोर आई होप द क्वेश्चन पेपर पैटर्न इज फॉर द फर्स्ट टर्म एग्जाम इज वेरी क्लियर ठीक है चलो आगे बढ़े ओके okay. प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला है जो कंडक्ट होगा दो यू नो टू वे में एक एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट होता है जो इंटरनली हम कंडक्ट करते हैं वो कैसे होगा इट विल बी ऑफ ट्वेंटी मार्क्स स्टूडेंट और जो टाइम अलॉट किया जाएगा आपको इट विल बी वन आवर ठीक है तो अगेन इट शुड बी बेस्ड ऑन दर सिलेबस ये जो भी ट्वेंटी मार्क्स को आपको पूछा जाएगा ये पूरे सिलेबस बेस्ड होगा पूरे चैप्टर्स पूरा टेक्स बुक बेस्ड होगा

पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा बाय नाउ वी आर अवेयर द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द एंटायर सिलेबस ठीक है नाउ दिस इज फ्रॉम द पेपर सेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द यूनिट वाइज वेटेज वेल सेटिंग द क्वेश्चन पेपर हर चैप्टर को कितने मार्क्स दिए गए जो आगे हम देखने ही वाले हैं उस हिसाब से उनको क्वेश्चन पेपर सेट करना है ठीक है पेपर सेटर्स आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर विद द मॉडल आंसर स्कीम ऑफ मार्किंग एंड ब्लू प्रिंट ये पूरा पेपर सेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको क्वेश्चन पेपर का आंसर की मतलब मॉडल आंसर भी बनाना पड़ता है स्कीम ऑफ मार्किंग कौन से क्वेश्चन को कितने आंसर को कितने मार्क्स है कितने पॉइंट्स लिखे तो कितने मार्क्स मिलेंगे और उसका एक ब्लू प्रिंट रेडी रेकनर उनको तैयार करना पड़ता है ठीक है दिस इज फ्रॉम द पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू नाउ द बोर्ड एग्जाम्स अगेन यहां पर अगेन द सेम थिंग विल बी फॉलोड फ्रॉम पॉइंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज एच एस सी एग्जाम हंड्रेड मार्क्स इवेल्युएशन इज सब डिवाइडेड एज एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनल असेसमेंट होगा स्टूडेंट्स ट्वेंटी मार्क्स का ओके एंड बी पार्ट होगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन जो एटी मार्क्स का अगेन टाइम लिमिट बाकी सारी चीजें सेम है बट स्टिल आई विल रीड आउट फॉर यू Application based test which is internal assessment will be of 20 marks. Time will be allotted that is uh, uh, time allotted will be one hour. It should be based on the entire syllabus. Question paper is framed in such a manner where student will be able to write the answer in the same sheet. Same thing here. Uh, marks obtained in the application based test should be forwarded to board as per guidelines and scheduled decided by the board. This is very important. तो सी दैट यू अटेम्प्ट दिस एप्लीकेशन बेस्ड इंटरनल एग्जाम फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव कॉलेजेस स्टूडेंट्स जूनियर कॉलेजेस क्योंकि ये जो है ये बोर्ड गाइडलाइन देता है और शेड्यूल करता है कि कब आप कंडक्ट करोगे और विद इन द सेट डेट एंड टाइम हमको ये मार्क्स बोर्ड को भेजने पड़ते हैं सो दैट इट गेट्स एडेड टू योर थोरी पेपर मार्क्स एज वेल एटी मार्क्स में जो ऐड हो जाता है ट्वेंटी मार्क्स का उसके लिए इसकी बहुत जरूरत होती है सो बी डोंट मिस दिस इंटरनल एग्जामिनेशन और असैसमेंट बी पार्ट ऑफ इट अगेन रिटर्न एग्जाम ही होगा इट विल बी ऑफ एट्टी मार्क्स टाइम अलॉटेड क्वेश्चन पेपर अगेन विल बी बेस्ड ऑन दर सिलेबस चिल्ड्रेन क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बाय दोर्ड एंड विल बी कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल डिक्लेयर बायोर्ड तो ये सबको पता ही है क्वेश्चन पेपर यहाँ बोर्ड सेट करने वाला है और ये जो भी डेट्स वो शेड्यूल करता है वो डिक्लेयर करेगा विद इन द सेट डेट एंड एंड टाइम यू हैव टू गो आंसर एग्जाम सो तक तो हमको पूरा क्लियर है कि आखिर ये जो दो पार्ट्स है ट्वेंटी मार्क्स का और एटी मार्क्स का इसमें क्या होगा और फिफ्टी मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर हमने देखा वो भी बहुत क्लियर हो गया है ना स्टूडेंट्स सो लेट अस गो अहेड नाउ नाउ दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट पैटर्न विल लुक लाइक

क्वेश्चन नंबर होगा स्टडी फॉलोइंग केसेस और और केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एनी थ्री आउट ऑफ फोर तो इस पूरे पैटर्न में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर वन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है टू के लिए भी नहीं है थ्री के लिए भी नहीं है लेकिन हाँ क्वेश्चन नंबर फोर के लिए आपको एनी थ्री आउट ऑफ फोर यहाँ पर थोड़ी सी आपको कंसेशन मतलब यू नो यू गेट वन क्वेश्चन एक्स्ट्राउट सो दोटल अपलोड किए हैं जब भी वो क्वेश्चन टैक्ल की है मैंने आपको बताया है ये इंटरनल एग्जाम में पूछा जा सकता है सो दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम एग्जाम एप्लीकेशन बेस्ड ठीक है सो द टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यूर चिल्ड्रन इज ट्वेंटी मार्क्स क्लियर देन लेटस गो टू दस्ट

ओके, okay. सो so, ये जो है, ओके, फोर विल बी आर्क्स मतलब देर आर फ्रॉम ए टू आई, यू कैन सी फ्रॉम ए, फॉर एग्जांपल यू नो ए है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस मैच द पैस गिव वन वर्ड और फ्रेज और टर्म स्टेट ट्रू और फॉल्स फाइंड द ओड वन कंप्लीट द सेंटेंसेस

टू मार्क्स पर क्वेश्चन एनी फोर आउट ऑफ सिक्स विदाउट ऑप्शन एट होगा विद ऑप्शन ट्वेल्व होगा देन क्वेश्चन नंबर थ्री विल बी स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियंस तो यहां पर मार्क्स होगा टेन एनी टू आउट ऑफ थ्री तो विथ विथ वॉट यू से विदाउट ऑप्शन विल बी सिक्स इजेंट इट तो uh, यहाँ पे वन मिनट ओके नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट ओके तो यहां पर एनी टू क्वेश्चंस आउट ऑफ थ्री यू हैव टू अटेम्प्ट ओके सो यहां पर होगा सिक्स विदाउट ऑप्शन यू हैव यू विल गेट सिक्स मार्क्स मार्क्सर क्वेश्चन नंबर थ्री है ना

Then question number six is justify the following statements. Per question it is four marks. Any two obviously it will without option, it will be eight marks, and with option 12 uh 16 marks. Okay. 4, 4, the 16. Okay. Question number 7, attempt the following. It is letter writing children. Your favorite uh, area where this letter will be 5 marks each. Any two will be asked. So up without option 10 marks ka score kar sakte ho. with option it will be 15. So you have a choice here.

i'll just read the questions again from the following types of sub-questions any four will be our question number one question number two explain the following terms or concepts question number three study the following case situation and express your opinions question number four distinguish between question number five answer in brief question number six justify the following statements question number seven attempt the following that is letter writing question number eight answer the following okay now if you can see here इन क्वेश्चन नंबर सेवन वन लेटर ईच फ्रॉम सिक्स सेवन एट शुड बी मतलब बहुत क्लियर है तीन लेटर पूछ रहे दो लेटर आपको लिखना है और एक लेटर है पांच मार्क्स का तो आप एक एक लेटर एक्सपेक्ट कर सकते हो चैप्टर नंबर सेवन और एट से ठीक है यूनिट वाइज वेटेज शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोवर्ड ये जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होगा आपको स्ट्रिक्टली एज पर दूनिट वाइज वेटेज पर ही होगा जितने मार्क्स दिए गए हैं उतने मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा नो क्वेश्चन शुड बी आस्ड ऑन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन दॉन दुकान ये ट्वेंटी फाइव परसेंट रिडक्शन में भी थोड़ा सा डिस्कस किया होगा कि जो भी टेक्स बॉक्स में दिया है उस पर कोई भी क्वेश्चन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट ठीक है देन यूनिट वाइज दिस इज वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट सो

कैपिटल रेजिंग में थ्री फोर फाइव चैप्टर आते हैं जिसमें मार्क्स होते हैं ट्वेंटी फोर स्टूडेंट्स तो विथ ऑप्शन होगा थर्टी फाइव यूनिट थ्री में आता है आपका सेक्रेटेरियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो चैप्टर सिक्स सेवन एट में होता है मार्क्स है थर्टीन विथ ऑप्शन एटीन फोर है यूनिट uh, फोर है डिपोजिटरी सिस्टम जो चैप्टर नाइन ही आता है मार्क्स है सेवन एंड विथ ऑप्शन इलेवन फिफ्थ है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट जो चैप्टर नंबर है वो है टेन मार्क्स जो है वो है 9, है 14, uh, है 13, market, है एंड एंड मार्क्स मार्क्स विद विद ऑप्शन ऑप्शन ठीक सॉरी द लास्ट यूनिट इज फाइनेंशियल मार्केट जिसमें चैप्टर्स आते हैं इलेवन एंड और पे मार्क्स है टेन और मार्क्स विद ऑप्शन है फोर्टीन स्टूडेंट्स दिस यूनिट वाइज वेटेज इज ऑफ द सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस सो यू कैन सी

वन uh, ऑब्जेक्टिव में ट्वेंटी मार्क्स है मार्क्स विद ऑप्शन ट्वेंटी है तो परसेंटेज आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट हो गया शॉर्ट आंसर में आपके मार्क्स पूछे जाते हैं फिफ्टी टू मार्क्स विद ऑप्शन इज एटी सो दिक्सटी फाइव परसेंट लॉन्ग आंसर में आपको आठ मार्क्स पूछे गए हैं जो लास्ट में पूछा गया है जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न में हमने देखा सो ऑल टुगेदर स्टूडेंट्स देखो डिविजन ऑफ मार्क्स में एटी मार्क्स आ गया मार्क्स विद ऑप्शन हंड्रेड आ गया और आपका परसेंटेज जो है वो हंड्रेड हो गया ठीक है सो दिस इज अबाउट द डिटेलिंग चिल्ड्रन ये ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे हम आपको जज करते हैं जैसे कि दिज आर द ऑप्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच वी जज ऑब्जेक्टिव वाइज डिविजन ऑफ मार्क्स क्वेश्चन टाइप क्या है और मार्क्स कैसे दिया जाता है सो वन इज नॉलेज पर थर्टीन मार्क्स मार्क्स विद ऑप्शन सेवनटीन परसेंटेज लीड्स टू सिक्सटीन पॉइंट आई एम टेलिंग यू दिस की आपको भी पता चले की हाउ द क्वेश्चन आर सेट एंड टू डू वॉट टू आइडेंटीफाई योर नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन एंड स्किल तो अंडरस्टैंडिंग में आपके 26 मार्क्स जा, दिए जाते हैं 38 मार्क्स विद ऑप्शन एंड 32.50 परसेंटेज एप्लीकेशन में 31 मार्क्स मार्क्स विद ऑप्शन 46 एंड परसेंटेज में 38.75 परसेंट और स्किल में 10 10 मार्क्स एंड मार्क्स विद ऑप्शन 15 एंड परसेंटेज 12.50 ऑल टुगेदर आपके मार्क्स हो गए 80 ज हंड्रेड परलेट है सो दिस इज वॉट योर ट्वेल्थ न्यू पेपर पैटर्न एज फार एज सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस मैंने इस वीडियो में पूरा आपके सामने पूरा इन्फॉर्मेशन रखा है हाउ द फिफ्टी मार्क्स क्वेश्चन पेपर विल बी सेटअप हाउ and the preliminary exam and how your board exam both will be divided into two application based and main question paper based ye bhi maine discuss kiya आ uh, मैंने क्वेश्चन पेपर उनके बारे में डिस्कस किया you know preliminary and board even I have shown you the unit wise weightage also for your information and detailing जैसे कि किस बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं division of marks objectives ये भी हमने डिस्कस किया so I hope now this video will really help you in understanding your subject and you can study in a very very clear manner so that's it children in this video i hope this video will turn out to be very informative kindly if you have got some information kindly like subscribe and share my channel and kindly share this video as well because this is going to be a very very huge advantage to the 12th standard students so that's it children in this video thank you so much thank you